हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल रेलवे ग्रुप डी वीडियो यूपीएसएससी के एग्ज़ाम के 2018 में ये होने वाले हैं, उसके या 2019 में ये होने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स की पार्ट फोर, यानी कि चौथी इस सीरीज़ का चौथा वाला पार्ट एस एंड वी हमारे चैनल स्टूडियोज एंड वेलियन क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करता है इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि जैसे ही आपको नई वीडियो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए उस बेल आइकन को दबाने के बाद। चलिए आज की वीडियो को आप शुरू करते हैं, सो लेट्स अचीव इट। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज। तो पहला क्वेश्चन है जोनल हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे एट, कहाँ पे है जोनल हेडक्वार्टर सेंट्रल रेलवे का, सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है जोनल हेडक्वार्टर। आपके सामने चार ऑप्शन, भोपाल, मुंबई, पुणे या ग्वालियर। जल्दी से बताइए, एक पेन कॉपी लेके बैठे आइए, अपना क्वेश्चन लिखिए, उसके आगे उसका ऑप्शन जो आपने सही चुना है, और अपना स्कोर करते आइए 1-3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ में, ठीक है। और मैं हर 10 सेकंड बाद एक उत्तर बता दिया करूँगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें। सो द आंसर इज मुंबई। उसके बाद आता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सुरेश प्रभु, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, अरुण जेटली। प्लीज बताइए आंसर, अरुण जेटली। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, रिसेंट आयुष्मान भारत एक स्कीम है या फिर एक सोशल एक्टिविटी है या इंश्योरेंस है क्या चीज़, या ये सभी के सभी हैं। ऑल चार ऑप्शन है आपके आए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जल्दी से बताइए इनमें से क्या होगा। चार ऑप्शन हो गया, इसका आंसर ऑब्वियसली डी है, द रूट ऑफ फर्स्ट इंडो नेपाल ब्रॉड गॉज रेलवे। एक ब्रॉड गॉज जो इंडो नेपाल के बीच में बिछाया जा रहा है रेलवे का, और पहला जो रूट होगा ये अपने जैसा, वो कहाँ से कहाँ तक है, जनकपुर से पटना, जनकपुर से अयोध्या, जनकपुर से गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इनका इसका उत्तर। हो गया, उत्तर है इसका जनकपुर से पटना। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है अगला वाला क्वेश्चन अगली स्लाइड पर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज नियर विच रिवर, किस नदी के पास है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अभी सबसे बड़ी मूर्ति भारत की भी और दुनिया की भी, साबरमती पे, लूनी पे, नर्मदा या ताप्ती, किस नदी पे आए, पढ़ लिया होगा, नर्मदा है। बजरंग पुनिया क्या है, रेसलर हैं, बॉक्सर हैं, स्विमर हैं या शूटर हैं। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स में, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी बजरंग पुनिया हैं, क्या कहाँ की पर्सनैलिटी हैं, तो ये हैं एक, जी हाँ, रेसलर। अब चलते हैं आगे, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो वादा 2018 किसने जीता था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फ्रांस, क्रोएशिया, बेल्जियम या फिर इंग्लैंड, बताइए किसने जीता था, कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन किसने जीता था ये क्वेश्चन, तो फ्रांस। प्रेमल कैन अमेंडेड बाई, एक प्रेमल होता है हमारे सब कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस मेजोरिटी के द्वारा हम अमेंड कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो जी हाँ, आंसर क्या है इसका, स्पेशल मेजोरिटी क्यों होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या लगता है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। जैक मा किसके फाउंडर हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, जैक मा किसके फाउंडर हैं, जैक मा अमेजन के हैं, एप्पल के हैं, अलीबाबा या फिर एयरबीएनबी, बताइए इनमें से किसके हैं फाउंडर जैक मा, बहुत ही फेमस रहे हैं अभी भी, करंट अफेयर्स में रहते हैं अभी, सीधा क्वेश्चन करंट अफेयर से, तो ये ऑब्वियसली चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा। साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है साइलेंट वैली, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है साइलेंट वैली, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या फिर केरल में है, बताइए इनमें से किस जगह आपको साइलेंट वैली को देखने के लिए मिलेगा, साइलेंट वैली आपको इनमें से किस जगह देखने के लिए मिलेगी, बताइए जल्दी से। तो आंसर इसका क्या है, केरला, केरला ही क्वेश्चन इसी दे रहे हैं, केरला में स्थल आई थी फ्लड, और उसके क्वेश्चन इसलिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ की फेमस साइट्स हैं। सोन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से सोन जो है वो नदी वो ऑरिजिनेट होती है, इसका आपको उत्तर देना जल्दी से, हिमालय, यमुनोत्री या अमरकंटक या सतपुड़ा, आपने आंसर लिखते आए और मुझे एंड में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको उत्तर रह रहा है, तो उसका आंसर क्या है, अमरकंटक। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 वॉज गिवन टू, किसको दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड, बताइए जल्दी से किसको दिया था इसका, श्रीदेवी, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर या फिर शमी कपूर, ABCD आपके ऑप्शन, जल्दी से बताना है, जी हाँ विनोद खन्ना जी को दिया गया था। अब चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर, क्या कह रही है ये स्लाइड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन, किस ईयर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, 1919, 1920, 1921, किस में टुक प्लेस, टुक प्लेस यानी कि स्टार्ट कब हुआ, ठीक है कर लिया उत्तर, 1920, चीफ मिनिस्टर, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन है ये गलत है, इसका वो होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है इनमें से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इनमें से? तरुण गोगोई, रंजन गोगोई, अरुण गोगोई या फिर निरंजन गोगोई? जल्दी से बताना, ये जल्दी से बताइए क्या होगा इसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर इसका क्या है? रंजन गोगोई, अभी बने हैं रिसेंटली, आप सभी को पता है। और अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्तूप ऑफ सांची? सांची कहाँ पाए जाते हैं, उसके स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? जल्दी से बताइए। उत्तर एमपी गया हुआ है, सबसे अलग है तो मध्य प्रदेश। लफ्टर गैसेज एनओ है या एन2ओ है या एनओ2 है या एन2ओ3 है? इनमें से आपको बताना है कि लफ्टर गैस कौन सी होती है, लफ्टर गैस कौन सी होती है? इसको हंसते हंसते लोग पागल हो जाते हैं, एक मूवी में भी दिखाया था कि लोग हंसते हंसते काफ़ी ज़्यादा पागल हो गए थे। तो कौन सी है, आपको सुना दी तो आप हंसते रहेंगे। तो आंसर क्या है इसका? एन2ओ, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, अब चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर। जय हिंद वॉज कॉइंड बाय, किसने कहा था जय हिंद? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, एससी बोस है? इनमें से कोई नहीं। तीन ऑप्शन आपके आगे, चार हैं, इनमें से कोई नहीं है एक, और तीन ये है नाम, चुन लिया आपने अपना नाम। अब ऐसी बात, सुभाष चंद्र बोस। बंगाल किसके लिए फेमस है, किसको हम कहते हैं कि भाई ये बंगाल का वो है? तो बताइए बंगाल किसके लिए फेमस है? लॉयन है, लेपर्ड है, क्रेन है, टाइगर? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर आपने अक्सर सुना होगा, बंगाल अपने टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत अच्छे और ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट हैविंग न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, किस कॉन्टिनेंट में आपको न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों की दोनों कंट्रीज मिलेंगी? यदि बताना है ये आपको, ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में, ओशिनिया में या फिर इनमें से कोई नहीं? कोई कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, ओशिनिया है, इनमें से कोई नहीं? उसका उत्तर क्या है? ओशिनिया। अब बात आती है कि हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपने बहुत सारी बात सुना होगा, इसरो ये, इसरो ने वो किया, इसरो ये किया, लेकिन इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में, अमरावती में, भुवनेश्वर में या बेंगलोर में? जल्दी से बताना आपको इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताना है, और इसका उत्तर होगा बेंगलोर। ठीक, अब चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर। अगली वाली स्लाइड क्या कह रही है? अगली वाली स्लाइड कह रही है कि इंडिया गेट एट दिल्ली वॉज डिजाइन बाई, किसने डिजाइन किया था इंडिया गेट? दिल्ली 1930 में बनी है बिल्डिंग, इंडिया गेट, एडवर्ड लुटियंस, बेकर, नॉर्मन फॉस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए 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 बताइए। ठीक, हड्डी अपना आंसर, इसका आंसर है एडवर्ड लुटियंस। और फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा जो था वो पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना इंडिया का? मेघालय, केरला, सिक्किम, मणिपुर? जी हाँ, सिक्किम ही, पिछले वाले ऐसा जो क्वेश्चन था उसका आंसर सिक्किम था। आपको बताना है कमेंट में पहला और कौन सा सिक्किम बना था स्टेट, तो इसका आंसर उत्तर क्या है? सिक्किम। अब बात कर रहे हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की, जो कहता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में, यूएस में, यूके में, स्विट्जरलैंड में? इसका उत्तर आपको बताना है हमें, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पर टी आता है बीच में, और इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज़ रिटन बाय, किसने की थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रचलित फेमस किताब, किसने लिखी थी ये? उत्तर जवाहरलाल नेहरू, जब भी जेल में थे तब उसको लिखा गया, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी और नेशनल पे आती थी। अब बात आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, टर्म क्या होता है इसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में है तो उसका टर्म कितना होगा? 4 साल, 5 साल, 6 साल या कभी डिजॉल्व ही नहीं होती? बताइए क्या होगा इसका उत्तर, क्या हो जाएगा? नेवर डिजॉल्व। उसके बाद आती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या सुमित्रा महाजन जी हैं? बताइए इनमें से, ये बड़ी बड़ी हस्तियां उनके नाम, और बताइए इनमें से कौन है जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है इस समय? उत्तर है वेंकैया नायडू जी। अब चलते हैं अगली वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम जनधन योजना कब आई थी रोल में? कब से इसने काम करना शुरू कर दिया था प्रधानमंत्री जनधन योजना ने? कब से काम करना शुरू कर दिया था? ये है आपका क्वेश्चन, और इसका उत्तर 2015। सिलिकॉन किसके लिए यूज़ किया जाता है? सोलर पैनल है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग है, ये है एब्जॉर्बिंग। ठीक है, और एन नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है कि जो बोथ या नन, जल्दी से बताना है, सोलर पैनल सिलिकॉन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वैसी बात है, दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने मिठाई वगैरह खाई हो हल्दीराम की, तो उसके अंदर आपने देखा होगा छोटा सा पैकेट पड़ा होता है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक में छोटा पैकेट पड़ा होता है सिलिकॉन का होता है उसमें। अब बात आती है बुलेट ट्रेन इज सेट टू बी, बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी कही जा रही है? 320 किलोमीटर पर आवर, 330 किलोमीटर पर आवर, 340 या 350? बताइए। बुलेट ट्रेन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली ट्रेन, अभी आई नहीं है जबकि फिर भी सुर्खियों में रहती है, तो इसका उत्तर होगा 320 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है किसमें? स्टील में, वैक्यूम में, वाटर में या सभी जगह लाइट सेम हो जाती है? बताइए चार ऑप्शन जल्दी से, उत्तर क्या होगा इसका? वैक्यूम में। ठीक है, जितना ज़्यादा उसके लिए वैक्यूम में सबसे बढ़िया जो
हम इसकी ऑथेंटिक मानते हैं वो कहाँ पे होती है, वैक्यूम में, उससे थोड़ी सी कम एयर में, और ऐसी घटती आती है जैसे ऐसे मीडियम होते हैं। तो यह थी आज की वीडियो, आपके ये थे 30 क्वेश्चन, आप मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक आप कर सकते हैं काम, मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद अब तक जुड़े रहने के लिए। आप जो काम कर सकते हैं वो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो जल्दी से कर दें इन सब चीज़ों को। और ये जो आ रही हैं ये देखिए आपके टेस्ट हैं, और ये जो आ रहे हैं ये है प्लेलिस्ट, ये जो आ रही है वो है प्लेलिस्ट। तो आप यहाँ पे अपना काम करें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, सारे सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। थैंक यू, लगे रहो भाई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।